सो हैलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल की नई वीडियो और हमारे चैनल की नई इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आप एक ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अपना मिस्टर वैगर पेट फ्री में अनलॉक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और आपका फ्री में मिस्टर वैगर पेट खुल जाएगा एक भी डायमंड लगाए। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमारे चैनल पर नवे हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि हर रोज़ हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते हैं और फ्री फायर में बिना टॉप के बहुत सारे ट्रिक लेके आते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लो, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आकाश गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो देख सकते हैं सबसे पहले मैं पेट वाले सेक्शन में आ चुका हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि जो मेरा मिस्टर वैगर पेट है वो अनलॉक है और इसकी स्किल है, अगर जो आप इसका लेवल 6 कर देते हैं तो हर 100 सेकंड में 2 ग्लूवल देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही ओपी पेट है, फ्री फायर का रेयर पेट है। और इसको स्टोर में हम परचेज़ करने के लिए जैसे ही जाते हैं तो देख सकते हैं स्टोर में हम आ चुके हैं और यहाँ पे हम पेट वाले सेक्शन में जाते हैं इसको परचेज़ करने के लिए। तो ये आपको दिखता है 699 डायमंड का, पर किसी की आईडी में 0 डायमंड हो, किसी की आईडी में 1, किसी के 10। ठीक है दोस्तों, 699 डायमंड किसी की आईडी में नहीं हो गए, तो आपको कैसे लेना है तो इसी ट्रिक की वजह आपको बताने वाला हूँ मैं, और इसी ट्रिक से लेना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जब आप डायमंड, तो 520 डायमंड आपको मिलते हैं 400 रुपये के। आपके पास 400 रुपये नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं भी आपको प्रॉब्लम समझता हूँ और आपको फ्री में अनलॉक करने की ट्रिक लेके आऊँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है दोस्तों, आपको अपनी क्या करना है, अपनी आईडी को बिल्कुल ही नूब कर लेना, हर एक रेयर आइटम को अनइक्विप कर देना। उसके बाद आइटम लगा के आपको क्या करना है, जाना है क्लियर कैच कर देना, आपको 10 बारी क्लियर कैच आपको अपनी आईडी में कर देना। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं कर रहा हूँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जल्दी जल्दी चलिए हम क्लियर कैच कर लेते हैं। क्लियर कैच करने के बाद मैं आपको बताऊँगा और एक बारी आपको सेंट रिपोर्ट कर देनी। जी हाँ दोस्तों, अब हम एक सेंट रिपोर्ट कर देते हैं। सेंट रिपोर्ट करने के बाद क्या करना है, अपनी आईडी को लोगआउट कर लेना है। इतना करने के बाद आपको वापस आना और एक क्लास कोड रैंकड मैच लगाएं। ठीक है दोस्तों, क्लास कोड रैंकड मैच लगाओगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं स्टार्ट पर क्लिक कर दूँगा और आपको लाइव प्रूफ इस क्लास कोड रैंकड का मैच लगा के दिखा दूँ। ठीक है दोस्तों, और क्लास कोड रैंकड का मैच लगाने के बाद जब आप एग्जिट करोगे, ठीक है दोस्तों, तो वो क्या होगा, 10 रुपीज़ का एयरड्रॉप आ जाएगा या फिर 29 रुपीज़ का एयरड्रॉप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो एयरड्रॉप से आपको क्या करना है मैं आपको वीडियो में आगे तक बताऊँगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना है। ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है जो आपको ये फ्री में अनलॉक करने के लिए बहुत मदद करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका एयरड्रॉप साइड में देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आ जाएगा, पर मेरा नहीं आया। तो आपका अगर जो एयरड्रॉप आ जाएगा तो आप वहाँ पे उसे परचेज़ कैसे करोगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे को क्या करना है, आपको इंस्टा पे मेरे को मैसेज करना है और वहाँ पे मैं हर रोज़ स्क्रीनशॉट डालता हूँ रिडीम कोड का। ठीक है दोस्तों, हर एक रिडीम कोड 29 रुपये का होगा, तो आपको दो रिडीम कोड उठा लेने हैं और आपको एक रिडीम कोड में 300 डायमंड मिलेंगे। ठीक है, तो दो रिडीम कोड में आपको 600 डायमंड मिल जाएंगे। अगर आपको 300 डायमंड मिल जाते हैं तो 300 डायमंड क्या करना है, आपको इसकी 10 क्रेडिट्स ले लेनी है स्टोर में से, और उसके बाद स्टोर में से 10 क्रेडिट्स लोगे तो ये सभी क्रेडिट आपको 275 डायमंड की पड़ जाएंगी। तो इसके बाद आपको क्या करना है, वॉलेट पर जाना है इन सभी क्रेडिट को लेके और तीनों 10 क्रेडिट को एक ही साथ ओपन कर देना। ठीक है दोस्तों, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ मैं आपका मिस्टर वैगर पेट आपका बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ट्रिक पसंद आएगी। ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगली वीडियो देखनी जरूर रहना। तो अभी के लिए बाय बाय और मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखना।